आज से झाड़ू खरीदने की झंझट खत्म। यानी कि मनी सेविंग्स तो होगी ही, साथ ही साथ मैं 3 आइडिया शेयर करूंगी जो कि आपका बहुत सारा पैसे की बचत होने वाली है और काम भी बहुत आसान होने वाली है। क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें ऐसा होता है ना कि हम वेस्ट समझकर फेंक देते हैं डस्टबिन में, उसी चीज़ का हम इस्तेमाल करूँगी और बहुत ही आसान तरीके से। इसके लिए आपको एक पैसा भी खर्च करना नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है एक छोटे से बैग, जैसे कि ये दवाई आती है या फिर कोई भी छोटे से बैग जो होती है ना इस तरह की, तो आप उसी का इस्तेमाल कर सकते हो। अब देखिए, मैं ऊपर से इस तरह से मैं फोल्ड किया, आप जैसे कि देख सकते हो, मेरे बोलने से अच्छा है आप थोड़ा ध्यान से देख लोगे। मैंने जो हैंडल है ना पकड़ने वाली, तो थोड़ा सा होल छोड़ दिया है। अब देखिए, नीचे से ऊपर की साइड में कर लिया, यानी कि डबल कर लिया। अब देखिए, इसको ऐसे फोल्ड करने के बाद मैं पिन लगा दूंगी। अगर आपके पास पिन नहीं है तो आप सेफ्टी पिन भी लगा सकते हो, क्योंकि हर किसी के पास सेफ्टी पिन तो अवेलेबल रहता है। अब देखिए, इसको करना है क्या कि इसको सिलाई करनी है, ठीक है। तो एक तरफ खुला छोड़ना है, यानी कि दोनों साइड जो खुला है, एक साइड खुला छोड़ के ऊपर की साइड और एक साइड मैंने सिलाई किया है। तो आप ग्लू गम का भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब अगर आप ग्लू गम का भी यूज़ नहीं करना चाहते हो या फिर सिलाई भी नहीं करना चाहते हो, तो और भी बहुत ही आसान तरीका है। तो इस तरह से आप सेफ्टी पिन से भी इसको सेट कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने ऊपर से जो नीचे फोल्ड किया है और नीचे से ऊपर फोल्ड किया है, दोनों को एक साथ पकड़ के आप सेफ्टी पिन लगा सकते हो। ऊपर में दोनों साइड लगा दीजिए और साइड में एक साइड लगा दीजिए। अब देखिए ये किस काम आने वाला है। इस तरह की जो स्विच बोर्ड होती है ना, तो हम सब जो मोबाइल चार्ज करते हैं तो बहुत ही दिक्कत पड़ जाती है अगर आसपास कुछ ना रहे तो। तो आप इस तरह से आप तैयार करके रख सकते हो और बहुत ही आसान तरीके से आप मोबाइल चार्ज कर सकते हो। ये देखिए दोस्तों, मैंने इस तरह से इसको यानी कि चार्जर की पिन को अंदर डाल दिया और मोबाइल को इसके अंदर डाल दिया। अब देखिए, बाकी जो एयर है ना उसको भी हम इसके अंदर डाल दिया ताकि बच्चे का हाथ ना लगे, ठीक है। और ये तो चार्ज बहुत ही आसानी से हो जाएगा और देखने में भी बढ़िया लगता है, ख़राब तो बिल्कुल नहीं लगता है। आप इस तरह से एक क्यों दो तीन बना के रख सकते हो। चलिए अब देख लेते हैं आइडिया नंबर 2। तो झाड़ू पोछा, यानी कि जो झाड़ू हम 100-100 रुपये में ख़रीद के लाते हैं, तो वो भी मैं तैयार करने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले बोतल का एक आइडिया शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैंने लिया है एक बड़ा वाला बोतल, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 2 बोतल का यूज़ कर रही हूँ। तो सबसे पहले इस तरह से कट करनी है, यानी कि नीचे की साइड, जहाँ से नीचे की साइड फूला हुआ है ना, तो उतना दूर तक आपको कट कर लेनी है। अब देखिए, इसको मैं साइड में रखती हूँ। अब उसी माप की मैं और दूसरी बोतल ले लिया है, तो मेरे पास कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल और नहीं थी, इसलिए मैंने वाटर बोतल का ही यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास कोल्ड ड्रिंक्स का बोतल हो तो आप उसी का ही यूज़ कीजिए, ठीक है। क्योंकि ये जो कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल होती है ना, बहुत ही हार्ड होती है, और वाटर बोतल जो होती है पानी की बोतल, तो ये थोड़ा नरम होती है। इसलिए जिस चीज़ के लिए मैं जिस आइडिया शेयर कर रही हूँ, तो कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है, ठीक है। अब देखिए, इस बोतल का क्या करना है कि मैंने दोनों साइड को कट किया है, इसकी जैसी नीचे साइड कट किया था और दूसरी वाली का ऊपर भी कट किया है, ठीक है। तो इस तरह से आप एक बोतल नीचे की साइड कट करोगे, और मैं 2 बोतल से दिखा रही हूँ, लेकिन अगर आप 3-4 बोतल का यूज़ करते हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो 3-4 बोतल अगर आप लेते हो ना, तो सभी का दोनों पार्ट कट करनी है, यानी कि ऊपर की साइड भी और नीचे की साइड भी इस तरह से कट करना है। और फिर छोटे छोटे आप जितने पतले पतले हो सके आप इस तरह से कट कर लीजिए, और कट करके पूरा उतार लेनी नहीं है, ठीक है। 2 उंगलियां छोड़कर कट करनी है ताकि इसको अच्छे से सेट कर सकूँ। अब इस तरह से मैंने फैला लिया है, उंगलियों की मदद से थोड़ा दबाओगे तो ये फैल जाता है, ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से। तो आप जो 3-4 बोतल का यूज़ करोगे ना, तो इसके अंदर सभी को डालनी है, एक के अंदर एक,
फिर दूसरे के अंदर तीसरे, तीसरे के अंदर चौथे। अगर आप दो तीन बोतल का करते हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। अब देखिए मैंने यहाँ पे एक सीख गरम किया है और सीख को उसी जगह पे होल बनानी है जहाँ पे मैंने कट नहीं किया है, यानी कि सभी बोतल एक साथ होल हो जाए। ठीक है, अब देखिए इधर मैंने एक इस तरह की चूड़ियाँ ली है जो कि मेटल की होती है, कांच की तो नहीं इसमें चलेगा, तो मेटल की चूड़ी ही चलेगा दोस्तों। इस तरह से मैंने चूड़ी को अंदर घुसाऊंगी और फिर दूसरी तरफ भी इस तरह से घुसाऊंगी ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। तो चूड़ी मेटल की चूड़ी इसलिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया है ताकि ये हर किसी के पास अवेलेबल रहता है, इसलिए आप यहाँ पे कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हो, डोरी भी इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने और भी एक यानी कि एक चूड़ी की दो पीस किया था और इस तरह से मैंने दो दो होल बनाया है दोनों तरफ, यानी कि टोटली चार होल बनाया था। तो जहाँ पे हमें एक होल बनानी है उससे एक उंगलियाँ छोड़कर दूसरी होल करनी है। ठीक है, अगर आपको समझने में थोड़ा दिक्कत होती है तो हमें कमेंट में पूछ सकते हो, मैं बताऊँगी। ठीक है, तो इस तरह से अच्छे से इसको दबा लेनी है। ये देखिए दोस्तों कुछ इस तरह से तैयार हुआ है। अब ये जो ढक्कन है ना, ढक्कन को मैंने खोल लिया है और यहाँ पे मैं पाइप सेट करूँगी। तो आप सोच रहे होंगे कि अगर आपके पास पाइप नहीं है तो आप क्या करोगे, कोई बात नहीं है, आपके पास पाइप नहीं है तो क्या हुआ, आप कोई लकड़ी का भी यूज़ कर सकते हो। तो पाइप जैसे कि आप देखा कि पाइप थोड़ा पतला है, तो उसके लिए हमें क्या करना है कि ये जो बोतल की इस पार्ट है ना, तो उसको अच्छे से गर्म करनी है। ठीक है, अच्छे से गर्म कर लेने के बाद ये नरम हो जाती है और इस तरह से इसके अंदर डाल दिया, ये अच्छे से चिपक जाता है। तो हाथ में मैंने लिया है एक कपड़ा, तो मोटे से कपड़ा लेना है ताकि हाथ बात ना चल जाए। ठीक है, और इस तरह से दबा लेनी है, तब देखोगे ये अच्छे से चिपक जाता है और जरा सा भी नहीं हिलता है। ठीक है, तब भी मैं क्या करूँगी कि आपके पास अगर कोई भी टेप हो, मेरे पास मास्किंग टेप है, तो मैं इसका इस्तेमाल करूँगी और तीन चार राउंड इस तरह से इसमें लगा लूँगी ताकि ये अच्छे से मजबूत हो जाए, जरा सा भी ना हिले। ठीक है, अब ये बनके तैयार हो चुका है और ये जो स्टिक है ना या फिर पाइप है, आप कितना बड़ा रखोगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इस तरह से आप झाड़ू जैसा काम कर सकते हो या फिर ऊपर जो वॉल होती है ना, तो वॉल को भी इस तरह से क्लीन कर सकते हो। जहाँ पे आपके हाथ नहीं पहुँच पाती है ना, तो इस तरह से आप क्लीन कर सकते हो। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा और सस्ता तरीका है, क्योंकि ये बोतल तो ऐसे भी हम फेंकने ही वाले थे। और ये देखिए दोस्तों जहाँ जहाँ पे हमारी हाथ नहीं पहुँच पाती है उसी जगह को हम क्लीन कर सकते हैं। चलिए अब देख लेते हैं इस तरह की प्लास्टिक की कमाल, यानी कि पॉलीथीन की कमाल। ये जो कपड़े वाली पॉलीथीन होती है ना, तो ये भी हर किसी के घर में बहुत सारा इधर उधर पड़ा रहता है। तो मैंने इसको लंबा साइड में इस तरह से फोल्ड किया है। ठीक है, फोल्ड कर लेने के बाद आप हर पार्ट को इस तरह से खोल लेनी है। ठीक है, हर एक पार्ट को इस तरह से खोल लेनी है और ये जो मैं बनाने वाली हूँ ना, बहुत ही आसान तरीके से बन जाता है। और आप देखोगे आपका काम इतना आसान हो जाएगा कि आप देखकर खुश हो जाओगे और साथ ही साथ बनाने भी लगोगे, मेरी गारंटी है। दोस्तों देखिए इस तरह से मैंने बना के तैयार किया है और फिर से मैंने इसको सेट कर लिया। अब देखिए इस तरह से एक तरफ मैं क्या करूँगी, इसको पिन अप कर लूँगी। ठीक है, अगर आपके पास पिन नहीं है तो पहले जैसे मैंने कहा आप सेफ्टी पिन का भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे पिन अप करने की वजह होती है क्या कि इस तरह से इसको कट कर लेनी है। ठीक है, तो पूरा कट करके उतार लेना नहीं है, एक उंगलियाँ छोड़कर इसको कट करना है और आप जितना पतला कट कर सकते हो कीजिए। ठीक है, बहुत ही पतले पतले अगर कट कर सकते हो तो अच्छा रहता है, करीब एक उंगलियाँ तो ज़रूर करना चाहिए, उससे बड़ा नहीं, उससे छोटा हो तो चलेगा।
तो देखिए दोस्तों, इस तरह से बनके तैयार हुआ है। ठीक है, मैं खोल के दिखा रही हूँ और इसको खोलना भी पड़ेगा, इसलिए मैंने खोल लिया। ये देखिए, अब ये जो है ना, जो वाइट कलर की मैंने पॉलीथीन को कट किया है, उसके साथ ये कलर अच्छा मैचिंग होता है, इसलिए मैंने दूसरी को भी कट किया और उसी तरह से ही कट किया है। ठीक है, अब देखिए, बना नहीं तो है लेकिन थोड़ा अच्छा भी दिखे, इसलिए मैंने दोनों कलर का यूज़ कर रही हूँ। आप ये मेरे पास और भी एक पाइप है, अगर पाइप नहीं है तो आप इस तरह की स्टिक का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो मेरे पास तीन पाइप पड़े हुए थे तो मैं अभी दो पाइप का यूज़ कर रही हूँ। और अब देखिए इसको कैसे सेट करनी है, इस तरह से पकड़ना है। ठीक है, इस तरह से थोड़ा सा ध्यान से देखोगे ना तो आपको मज़ा आ जाएगा और आप तुरंत ही करने लगोगे। और आप कोशिश कीजिएगा कि स्टिक यानी कि आप लकड़ी का जो यूज़ करोगे ना वो थोड़ा पतला हो, यानी कि पाइप जैसा हो तो अच्छा रहता है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा मोटा ले लेते हो ना तो आपका थोड़ा दिक्कत हो सकती है। अब देखिए, इसको सेट कर लेने के बाद आपको टेप से चिपका लेनी है। ठीक है, कोई भी टेप है आपके पास चलेगा। अब देखिए, मैंने दूसरी जो है दूसरी वाली लगा लिया ताकि दिखने में अच्छा लगे, इसीलिए इस तरह से मैं सेट कर रही हूँ। तो इसको भी उसी तरह से पहले वाली जिस तरह से किया है ना, तो इसको थोड़ा तीन उंगलियां करीब ऊपर करके सेट किया है और इसको भी मैं उसी टेप से अच्छे से चिपका लिया है। अब देखिए, फिर से मैंने दूसरी कलर ले लिया ताकि दिखने में अच्छा लगे और उसी तरह से इसको भी सेट यानी कि राउंड राउंड घुमाकर इसको सेट करनी है। अब इसको भी मैंने मास्किंग टेप की मदद से चिपका लूँगी और इस तरह से आप जितना करना चाहो कर सकते हो। तो मैंने इतना किया, आप अगर चाहो तो और भी ज़्यादा कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए, देखने में तो बहुत ही बढ़िया है, अब ये आएगा किस काम का। तो दोस्तों, इस तरह की जो हमारी फर्नीचर होती है ना घर में, तो एक सामान दूसरी सामान में चिपका हुआ रहता है, थोड़ा सा गैप रहता है, तो उसी गैप के अंदर जो गंदगी है आप इस तरह से इसको अंदर घुसा के क्लीन कर सकते हो। इसीलिए मैंने कहा, अगर आप लकड़ी लेना चाहते हो तो ज़्यादा मोटा नहीं लेनी है, इस तरह की पाइप के हिसाब से ही लेना है ताकि आपका जो काम करने में आसान हो जाए। ठीक है, तो आपका जहाँ पे हाथ नहीं जाता है ना, तो इस तरह से आप क्लीन कर सकते हो इसी चीज़ को। और ये देखिए दोस्तों, जो चीज़ ऊपर ऊपर है और बहुत ऊपर है, तो इस तरह से आप क्लीन कर सकते हो। कैसा लग रहा है दोस्तों मेरा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा है ना तो छोटा सा एक लाइक ज़रूर कीजिए ताकि हमें काम करने का उत्साह बढ़े, और अगर ज़रूरतमंद हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।